नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। बच्चों, अब तक हिंदी में आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा वह एक तरह से पूर्व निर्धारित पाठ थे, परंतु आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं वह ऐसा पाठ है जिसे आप पहली बार पढ़ेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर ढूंढ कर लिखेंगे। तो बच्चों, आज हम अपठित गद्यांश पर चर्चा करने वाले हैं, तो आइए इसके मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। अपठित गद्यांश का अर्थ है ऐसा गद्यांश जिसे हमने पहले कभी नहीं पढ़ा हो, अर्थात एकदम नया एक अनुच्छेद। अपठित गद्यांश हल करने के नियम तथा सावधानियां। सबसे पहले गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ें। गद्यांश में दिए गए मुख्य विषय को समझने की कोशिश करें। इसमें दिए गए कठिन शब्दों को रेखांकित करें। इसके बाद रेखांकित शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश करें। प्रश्नों को पढ़कर गद्यांश से उत्तर ढूंढने का प्रयत्न करें। अब एक उदाहरण देखते हैं। एक बालक रोज एक नदी के किनारे आता था। वह वहां उदास बैठा रहता था। रोज वहां बैठा देखकर एक दिन उस नदी से बाहर एक जल परी आई। उसने बालक से पूछा, तुम उदास क्यों हो? बालक ने बताया, मेरी माँ की तबीयत खराब है। इस पर जलपरी ने पूछा, तो किसी डॉक्टर के पास जाओ। बालक ने बताया कि वह बहुत गरीब है और डॉक्टर के पास नहीं जा सकता। ये सुनकर जलपरी पानी के अंदर गई और गायब हो गई। बालक फिर उदास होकर बैठ गया, किंतु जल्द ही जलपरी बाहर आई और उसे एक थैले सिक्के दिए। उसने कहा, ये लो पैसे और अपनी माँ का इलाज करा लो। यह देखकर बालक खुश हो गया। उसने माँ का इलाज कराया और उन्हें जलपरी के बारे में भी बताया। प्रश्न, नदी के किनारे कौन आता था? उत्तर, नदी के किनारे एक बालक आता था। प्रश्न, वह उदास क्यों था? उत्तर, बालक उदास था क्योंकि उसकी माँ बीमार थी। प्रश्न, जलपरी ने क्या किया? उत्तर, जलपरी ने बालक को एक थैले सिक्के दिए ताकि वो अपनी माँ का इलाज करा सके। प्रश्न, बालक ने माँ को क्या बताया? उत्तर, बालक ने माँ को जलपरी के बारे में बताया। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस पाठ को पूरी तरह समझा होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं।